learners में से, व्हाट इफ यू कुड शेयर योर रैंक। हाँ यार अमित, मिस कर दिया आप, इतना तो मैं प्रमोट कर रहा था 20 तारीख, 20 तारीख। अच्छा 1 1886 आई। अमित आप टेंशन मत लो, आप तो यार मेंस लिखने वाले हो, यू हैव मेंस इन द नेक्स्ट 16 डेज। बाय द वे अमित, अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए ना लास्ट में, अगर एनी एनी हेल्प, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, ठीक है ना। एनी एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, एनी एनी सोर्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, या कोई भी आपको चाहिए तो प्लीज बताइएगा, ठीक है ना। चलो राहुल, नॉट बैड, 456। कितने लोग थे, हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर? मतलब आई एक्चुअली, मैं एकदम ही आई कुड नॉट लॉग ऑन एट ऑल, मैंने चेक ही नहीं कर पाया कितने लोग लाइव थे। हाउ मेनी? 9,000 प्लस। ओके, पिछली बार 13,000 प्लस थे, चलो गिव अट 10,000 पीपल। गॉट इट गॉट इट, थैंक्स थैंक्स अ लॉट गाइस। चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट नाइट न्यूज पेपर एनालिसिस, 576, इट नॉट बैड यार, अच्छा है। 9,000 लोगों में से 578, नॉट बैड, इंप्रूवमेंट का स्कोप काफी है। नाउ गाइस, ओनली 6 मंथ्स आर रिमेनिंग। अगर आप यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हो 2021 में, हम लोग आपको बताते रहेंगे कि भैया 6 महीने और कुछ 5 6 दिन बचे हुए हैं। 27 जून को एग्जाम है। टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड एंड टू कवर द वास्ट सिलेबस इन द लिमिटेड टाइम, आप लोगों के लिए कल से नए बैचेस स्टार्ट किए हैं। 21 दिसंबर से वी हैव स्टार्टेड अ न्यू अल्टीमेट जीएस बैचेस, एंड टुमारो ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग विद दी एंशियंट हिस्ट्री कोर्स। तो कल से मेरा एंशियंट हिस्ट्री कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, सो यू गाइज आर मोर देन वेलकम टू अटेंड दैट, ठीक है ना। सो आप पूरा फुल सिलेबस कवरेज कर सकते हैं बाय द टॉप एजुकेटर्स, 2 PM सिद्धि, 2 PM राइट। हाँ ओके, सो 2 बजे शाम को, दोपहर में हमारा सेशन रहेगा, राइट। यस, सो ज्योग्राफी, हिंदी, यार अब इतना मेरे को अब हर कोर्स का नहीं पता हम लोग को, दे आर मैनी बैचेस जस्ट रनिंग साइमल्टेनियसली राहुल, राइट। हिंदी वाले एजुकेटर्स के नाम आप उनके वेबसाइट, उन पर हमारी वेबसाइट पर ही जा करके कोर्स में देख सकते हो, ठीक है। चलिए सो देखिए, हिंदी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लिश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एंड इवन बायलिंगुअल बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। आप में से कोई भी ऐसा है जो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का सोच रहा है? नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आई एम श्योर इसमें अमित की ज़्यादा, हम लोग तो चलिए थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, आई एम श्योर इट्स अमित्स ओन कैलिबर एंड हिज ओन यू नो एफर्ट्स विच हैज़ बॉर्न द रिजल्ट। सी द थिंग इज, वी ऑल टीच अ लॉट ऑफ थिंग्स, यस ओके, इट माइट हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बट अगर आप जब तक खुद नहीं हेल्प करते अपने आप की, वही है ना, राइट। इवन गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देम सेल्फ, सो यू हैव टू सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे अच्छे से, तब तक कोई भी आपकी पूरी से हेल्प नहीं कर सकता। सो आई एम श्योर या अमित हैज वर्कड हार्ड ऑन हिमसेल्फ ऑल्सो। चलो गुड, या गुड टू नो दैट आप लोग को हेल्प हो रही है, अगर मेरी तरफ से थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो दैट्स नाइस टू नो। टेलीग्राम लिंक राशि का ऊपर पिन कर रखा है, कैन यू गाइज सी द टेलीग्राम लिंक, ठीक है ना। अच्छा राहुल, तो हाँ ज्योग्राफी में देखिए, अगर आप प्योर हिंदी बैचेस देख रहे हो तो उनके एजुकेटर्स अलग हैं, बट अगर आप बायलिंगुअल देख रहे हो तो आई विल टेक अ बायलिंगुअल कोर्स। मेरा बायलिंगुअल क्लास रहेगा, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से, ठीक है ना। सो राशि का अगर वैसे वो चल जाता है, बट जस्ट इन केस अगर नहीं चल रहा है तो यू कैन जस्ट सर्च फॉर द नेम यूपीएससी सीएससी प्रेपरेशन विद वेंकटेश चतुर्वेदी, ठीक है ना, ये नाम सर्च कर सकते हो। अरे वाह अमित, दैट्स म्यूजिक टू माई ईयर्स, ठीक ना। तो गाइज यू कैन सर्च फॉर दिस टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन विद वेंकटेश चतुर्वेदी, एंड छवि जस्ट कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट देयर, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का राइज होने वाला है गाइज, सो अपग्रेड कर लीजिए आज ही, एंड यू कैन यूज माई रेफरल कोड VCSIR फॉर द डिस्काउंट। साइकत, यस अभी मेरा कोर्स चल रहा है, माई कोर्स इज रनिंग राइट नाउ ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड सब्सिक्वेंटली 18 जनवरी से फिजिकल ज्योग्राफी। सो बोथ फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी आप मुझसे पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल्स, आज बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आए हैं। एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सेंटिनल आइलैंड विल वाइप आउट ट्राइबल्स, व्हाट इज दिस सेंटिनल आइलैंड, क्या है ये सेंटिनल आइलैंड? अंडमान, राइट। सो द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने ये बोला है कि भाई आपके एक नॉर्दर्न सेंटिनल आइलैंड है अंडमान के, वहाँ पे सेंटिनलीज ट्राइब रहते हैं, ठीक है। एंड सेंटिनलीज ट्राइब इज दैट अ PVTG,
यस यस इट इज अ पीवीटीजी। व्हाट इज अ पीवीटीजी, होता क्या पीवीटीजी? बताइए। ठीक है ना, सो दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है ना। सो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो ट्राइब्स होती हैं जिनकी एक अलग सी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, जिनके जिनके यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इन्फ्लक्स मिनिमल है या बिल्कुल नहीं है, एंड उनकी पॉपुलेशन ड्विंडल कर रही हो। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, इनको हाउ मेनी पीवीटीजीज आर देयर इन द कंट्री? देयर आर 75 ऑफ देम, ठीक है ना। आपके 75 हैं। ओके 75 हैं एग्जैक्टली। एंड इस पे सवाल ऑलरेडी आ चुका है, यू शुड नो दैट आपका इस पे सवाल ऑलरेडी आ चुका है। एंड व्हाट इज द रेस ऑफ दीज व्हाट इज द रेस ऑफ दी सेनेटेलीज ट्राइब? आर दे मंगोलॉइड और आर दे निग्रोइड या निग्रोइड? ये याद रखिएगा, ठीक है ना। दिस कुड बी एमसीक्यू। निग्रोइड जो आपका ट्राइब होता है वो उनका रेस है, राइट। मंगोलॉइड आर सेपरेट, ठीक है। देर आर फ्यू मंगोलाइट ऑल्सो इन दी अंडमान्स, बट निग्रोइड में से एक आपका ये सेनेटेलीज है। एंड दे आर पर्टिकुलरली वलेबल ट्राइबल ग्रुप्स, एंड ये आपके दे वर इन न्यूज इफ यू रिमेंबर। एक आपके अमेरिकन नेशनल थे 2 साल पहले जिनको मार दिया था, ये वही सेम ट्राइब है, ठीक है ना। सो सेम ट्राइब विच हैड किल्ड दिस अमेरिकन नेशनल जॉन एलन चाउ, राइट। एंड सो द आइडिया इज दैट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट एनी इन्फ्लक्स ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। सो हमारा जो ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, राइट, उन्होंने यही बोला था दैट दीज राइट्स आर अनअसेलेबल, नॉन नेगोशिएबल एंड इनफ्रिंजिबल। सो द कंट्री के जो ये ड्यूटी है कि वो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, ये बताइए व्हाई डू वी नॉट इंक्लूड देम इन टू द मेन स्ट्रीम? हम इनको मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू, ठीक है ना। एंड इट विल बी अ ह्यूमन राइट वायलेशन टू डू दैट। अगर आप किसी को फोर्स करते हो टू चेंज वेज, राइट, हाउ आर वी डिफरेंट देन दी ब्रिटेन हु केम इन टू इंडिया टू डू द सेम? आर यू गेटिंग द लॉजिक? ठीक है ना। सो द आइडिया ऑफ हैविंग दिस यू नो नहीं डिजीज स्प्रेड वगैरह तो चलिए अलग सीन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट मोर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट ऑफ द मैटर दैट इनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, दे डोंट वॉन्ट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड। एंड दे अगर हम लोग घुस करके उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू वॉट ब्रिटिशर्स डिड बाई कमिंग इन टू इंडिया। सो इट विल बी अ कोलोनाइजेशन, ठीक है ना, राइट। सो दैट इज वाई। सो सेनेटलीज लगभग आपकी यार अबाउट 50 to 100 ओनली ऑन द नॉर्दर्न सेनेटल आइलैंड्स, राइट। एंड बहुत कम पॉपुलेशन बची है इनकी, दे आर वेरी वेरी लेस पॉपुलेशन। एंड याद रखिएगा कि पीवीटीजीज में से देर आर फोर मोर पीवीटीजीज इन द अंडमान्स। एक है ग्रेटर अंडमानीज, ठीक है ना, दूसरा है द ओंग, फिर है झरावा ट्राइब एंड द शोम्पेन ट्राइब। आई रिमेंबर आई हैड सीन द झरावा ट्राइब व्हेन आई हैड गॉन टू अंडमान निकोबार आइलैंड। मैं हो गया थिंक इट्स बीन 5 6 ईयर्स, 5 नहीं, हाँ इनफैक्ट 5 6 7 ईयर्स हो चुके होंगे। आई वेंट टू द अंडमान निकोबार, सो वहाँ झरावा ट्राइब्स वॉज सीन देयर। बट यू नो वॉट आई फील इज दैट हाउ डू गवर्नमेंट कम्युनिकेट विद देम? सो देखिए वहीं पर लोकल पीपल हैं जिनने उनके उनके साथ अगर देखिए, वैसे तो बहुत लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, मैनी, बट देर बी मोस्ट प्रोबेबली 1 or 2 पर्सन ओनली हु कैन कॉन्टैक्ट विद देम बिकॉज दे हैव डेवलप्ड अ रैपोर्ट विद देम, राइट। सो वैसे तो उनको आइसोलेटेड रखा जाता है, नो वन विजिट्स देम एज सच, बट अगर कभी जस्ट इन केस विजिट करना पड़े वगैरह वगैरह, सो देन इन दैट सिनेरियो यू नो देयर वुड बी सम ट्रांसलेटर्स, लोकल पीपल हु नो द लैंग्वेज, राइट, जिनसे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट होता क्या है ना, मैनी ऑफ द अदर ट्राइब पीपल हैव बिकम पार्शियल मेन स्ट्रीम। जैसे जरावा ट्राइब जो है ना, दे यू वुड फाइंड सम जरावा ट्राइब पीपल वर्किंग विद दी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, उनके आपको मिलेंगे वहाँ पे काम करते हुए भी लोग। सो
बिकॉज पीपल यू नो लोग कुछ लोगों को लगता है यार लेट्स लेट्स मूव आउट ऑफ दिस जंगल्स एंड गो आउट एंड लिव द मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड. सो डिपेंड करता है उन सब चीज़ों पे. अब स्टैंड ऑफ अमिड पेंडेमिक एक्सपोज्ड चाइना. सो डिफेंस मिनिस्टर जी ने बोला है दैट वी डोंट वॉन्ट कॉन्फ्लिक्ट बट वी विल नॉट टॉलरेट एनी हार्म टू दी इंडियाज रेस्पेक्ट. सो मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक ने चाइना की एक टाइप से जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है उसको एक्सपोज कर दिया है. दिस इज व्हाट द डिफेंस मिनिस्टर हैज मेंशनड. वी डोंट वॉन्ट कॉन्फ्लिक्ट बट पीस राइट. हाउएवर वी विल नॉट टॉलरेट एनी हार्म टू द कंट्री सेल्फ रेस्पेक्ट इज वॉट दे हैव सेड. ठीक है. दिस इज द न्यू इंडिया वी आर नो लॉन्गर वीक. वही ये नया इंडिया है ये घुसेगा भी मारेगा भी टाइप सिचुएशन की इनने फिर से बात करी है. सो इन्हें ये बोला है कि भाई अगर आप ट्रांसग्रेस करोगे अगर आप यूनिलैटरली चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करोगे बॉर्डर पे वी कैन आंसर दैट वी विल आंसर दैट. अगला है पुलिस रेड ऑफिसेज ऑफ लोन ऐप्स. सो क्रैकिंग द विप ऑन एयरिंग ऑनलाइन लोन ऐप्स फॉर द एलिजेड हरासमेंट ऑफ डेटर्स राइट. आपका हैदराबाद जो है वहाँ के कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं वहाँ पर रेड कंडक्ट कराए गए हैं जो लोन देने वाले ऐप्स लग रहे थे. ठीक है ना. सो इट सीम्स दैट ये कुछ ऐसे इलीगल टाइप के लोन देने वाले ऐप्स हैं जिनके ऊपर रेड लगाया जा रहा था. ठीक है ना. आपके बहुत सारे जो वो हैं डेप्टर्स दे वर बींग क्या कहते हैं हैरेस दे वर बींग डूब्ड. उनके साथ धोखा हो रहा था तो उन धोखा को 420 को ख़त्म करने के लिए हाँ ब्लैक में वगैरह करने के लिए ये सब आपके एक्शन लिया गया है. अगला है कर्नाटका टू रीओपन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. सो आफ्टर अ सीरीज ऑफ मीटिंग द कर्नाटक गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वुड बी ओपन. सो दिस इज अ बिग थिंग राइट. ये बहुत बड़ी बात है. सो द डिसीजन केम एट द एंड ऑफ एन आवर लॉन्ग मीटिंग कन्वीन बाय योर चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा एंड दिस सीम्स टू बी अ स्टेप इन दिस इन द डायरेक्शन इन विच सम नॉर्मलसी माइट बी देयर. बट वही है इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट टू फिजिकली अटेंड द क्लासेज ऑन कैंपस. सो ये तो भाई तो बात सही है दैट अभी तक उसको कंपल्सरी नहीं रखा गया है. सो अगर इट्स डिपेंड अपॉन यू. अगर आपको लगता है कि आप आ सकते हो आप आना चाहते हो तो आ जाइए विद ऑल द प्रॉपर प्रोटोकॉल एंड मेजर्स. बट इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे बैक एट होम एंड अटेंड ऑनलाइन यू कैन डू डू दैट एज वेल. इज दैट ओके. डज दैट मेक सेंस. ठीक है ना. ओके. अगला है इंडिया नेपाल पॉलिटिकल पार्टीज इंप्रूव टाइज एज लीडर्स मीट. ठीक है. बाय द वे राहुल साहू आर यू देयर इन इन द क्लास. आपका मैंने भी क्वेश्चन देखा जस्ट सॉ योर क्वेश्चन. सो राहुल सो आपका जो सो चैंपियंस यार वो शुरू हो जाना चाहिए. आई थिंक इट शुड हैव स्टार्टेड बाय नाउ. स्केड्यूल आई बार चेक कर लेना अलग अलग बैचेस बना रखे हैं. इनफैक्ट अगर कोई कुछ कन्फ्यूजन है तो लेट मी नो पर्सनली. आप एक बार मैसेज कर देना कुछ अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो एंड आई एल आस्क देम टुमारो. कल ऑफिस खुलेगा अनअकैडमी का तो आई एल आस्क देम टुमारो. सो इंडिया नेपाल पॉलिटिकल पार्टीज इंप्रूव टाइज एज लीडर्स मीट. सो दिस सीम्स टू बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है ना. ओके. सो अच्छा ओके हो गया डिजॉल्व हो गया लग ही रहा था. अच्छा ये आई थिंक मैं सोता रह गया पता ही नहीं चला. नेपाल पार्लियामेंट पीएम लॉ सपोर्ट. वन मोर प्रेडिक्शन. आई वॉज जस्ट वेटिंग कब ये प्रेडिक्शन मेरा याद है. अब से 2-3 महीने पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था. आई प्रिडिक्टेड अबाउट 3 मंथ्स बैक दैट अभी आप कुछ समय में देखोगे कि दी वहाँ कहाँ की सरकार गिर जाएगी. चलो एक और प्रिडिक्शन सही हो गया. वो चल ही रहा था. इट वॉज वेरी वेरी इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस. खतरनाक यार. दिस इज इंटरेस्टिंग. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. सो द लेटेस्ट विजिट बाय द लीडर ऑफ फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ द बीजेपी. आप समझ सकते हो ना जाते ही क्या करके आए हैं ये. टू नेपाल इज एक्सपेक्टेड टू ओपन अ न्यू लेवल ऑफ इंटरेक्शन. न्यू लेवल ऑफ इंटरेक्शन. न्यू लेवल ऑफ इंटरेक्शन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ नेपाल एंड इंडिया ऑन बोथ द साइड. सो डॉक्टर विजय जो हैं ये काठमांडू इस मंथ से पहले जा चुके हैं राइट.
Right, and apparently there were a lot of discussions with the foreign secretary of Nepal about normalizing the relationship, and finally it seems that बहुत सारी जो political parties हैं, they seems to be creating better ties among each other. Actually वही लग रहा था. Actually मुझे क्या लग रहा है ना कि ये feel हो गया था कि anti India उनका जो एक stance था ना, was not doing going well with the people. Public of Nepal wasn't very happy with the anti India, and जो India के साथ उनने ऐसा स्टैंड लिया था ओली ने, इट वॉज मेजोर बिकॉज सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर द मधेसीज, एंड मधेसीज तो भाई मधेसीज तो इंडिया को सपोर्ट करने वाले हैं. एंड अमंग हिज पार्टी ऑल्सो, ओली जी की पार्टी जो थी उसमें भी बहुत सारे आपके दो तीन फैक्शन बन चुके थे फिर मेंबर, ठीक है ना. सो दिस वॉज एविडेंट दैट वहाँ की सरकार गिरने वाली है. इट वॉज ओनली अब या तब. अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर, लेट्स सी अब क्या होता है. अब इंटरेस्टिंग होने वाला है. नेपाल का स्टैंड क्या होगा अगला है. इंडियाज कोविड-19 फिटैलिटी रेट इज अमंग लोएस्ट इन द वर्ल्ड, ऑब्जर्विंग दैट डिस्पाइट फेस्टिवल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर नो न्यू सर्ज ऑफ कोविड-19 केसेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन दिस पीरियड ड्यू टू कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट. टीटीटी याद है ना, थ्री टीज, टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट. जो केस फेटेलिटी रेट है आपका इज एट द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एट 1.45% नाउ, विच इज अच्छी बात है यार. दिस शोज दैट हम लोग के यहाँ पे जिन लोग को कोविड हो रहा है, टचवुड, दे सीम टू बी गेटिंग फाइन, राइट. आपके काफी लोग ठीक हो रहे हैं. सो दैट इज, बट देर इज स्टिल नीड टू डिलीजेंटली मेंटेन अप्रोप्रिएट बिहेवियर एज वी कॉल एज द सोशल वैक्सीन, है ना. सोशल वैक्सीन, हमको सोशल वैक्सीनेशन को मेंटेन रखना है अभी भी. नेक्स्ट इज प्रिजन पॉपुलेशन रिड्यूस्ड बाय 10.42% बिटवीन अप्रैल एंड जून. वैसे बाय द वे गाइस, इट सीम्स दैट इन द नेक्स्ट 7 to 10 days वी माइट गेट द फर्स्ट न्यूज ऑफ द कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्टिंग इन इंडिया. सो लेट्स कीप अवर फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. होने वाला है, आएंगे. मैं बता रहा हूँ, बहुत दिनों से नहीं हुआ यार, बड़े दिन नहीं हो गए मोदी जी को बोलते हुए आकर के. हैं, मोदी जी को बोलते हुए आकर के बहुत दिन हो गए यार, वेटिंग फॉर हिम. 8 बजे आएंगे मित्रों, आज रात 12 बजे से, 12 बजे ही हम इनको लगाने वाले हैं वैक्सीन. पहले इंसान बनेंगे, कोई होंगे पता नहीं, लेट्स सी. कोई आई थिंक कोई कोई बुजुर्ग ही होंगे आई होप, या फिर कोई डॉक्टर या कोई बुजुर्ग में से एक होंगे. लेट्स सी कौन लगवाता है सबसे पहले वैक्सीन. नेक्स्ट अगला है, हाँ यस. ट्रू ट्रू ट्रू. अभी वो कोविड-19 का यस यूके से भी डेंजरस है, क्योंकि देर इज अपेरेंट अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड देयर. लेट्स होप इट डज नॉट स्प्रेड टू इंडिया. नेक्स्ट इज योर प्रिजन पॉपुलेशन रिड्यूस्ड बाय 10.42% बिटवीन अप्रैल एंड जून. दिस इज गुड और बैड, ये अच्छी बात है, राइट. सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वट यू नो वट इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर इन दी, नहीं नहीं 67% तो अंडर ट्रायल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉवल टोटल जितनी कैपेसिटी उससे 114% रहता है, ठीक है ना. सो अब इसमें दिखा रहे कि दिसंबर आपके 31 में जो 22 स्टेट्स हैं उसमें 107% था, उससे कम करके इन्होंने 93% कर दिया जून 30 में. दिस इज नॉट फॉर ऑल दी स्टेट्स, रिमेंबर ओनली फॉर 22 ऑफ देम उसका डेटा है. सो देर वुड बी सम अदर स्टेट्स विच माइट हैव मोर. जैसे आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, आई थिंक बिहार हैज़ 190% ऑक्यूपेंसी. बिहार के प्रेजेंस में 190% ऑक्यूपेंसी होती है, इफ आई रिमेंबर द डेटा करेक्ट. वाई इज दिस बिंग डन, यस देर टू रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल कि वही कोविड-19 के समय ओवर क्राउडिंग कहीं पर भी नहीं होना है. एंड इन फैक्ट वॉट हैपेंड दैट वॉट हैपेंड वॉज दैट आपके कुछ कुछ ऐसे केसेस आए थे जहाँ पे एकदम से कोविड केसेस जेल्स में बढ़ गए थे, राइट. सो देयर फोर पेंडेमिक के समय प्रिजन एंड ओवर क्राउडिंग इज अ बिग इशू, एंड उसको खत्म करने के लिए आप, तो आपको नहीं लगता कुछ प्रिजनर्स कहते हैं कि भाई साहब हमारे तो बड़ा अच्छा हो गया, निकल गए हम यहाँ से. एंड ऑल्सो यू शुड नो दैट, पता है कुछ स्कूल्स को बनाया गया है प्रिजन, डू यू गाइज नो दैट.
Some schools have been designated as prisons also in the COVID. आपके हुए थे ना अर्णब गोस्वामी साहब, कुछ दिन पहले उनको उनको रखा गया था उसके अंदर जब अरेस्ट हुए थे इन अ स्कूल. सो कुछ स्कूल्स को बनाया प्रिजन, मतलब क्या मस्त है यार. कॉलेजेस ऑल्सो, हाँ अरे आज नहीं पता था आप लोग को, स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव बीन डेजिग्नेटेड एज योर प्रिजन. नेक्स्ट इज इमरान डिनाइज इंटरफेरेंस बाय पाकिस्तान आर्मी. हाँ बिल्कुल, हम आपकी बात मानते हैं बिल्कुल. नहीं यार आई अंडरस्टैंड, आपको पता है ना सही बोला है एक्चुअली एकदम. इमरान खान जो है ना एकदम सही बोले हैं, पाकिस्तान आर्मी इंटरफेयर तो ना करती है, वही तो डिसीजन लेती है. कि इंटरफेरेंस तो मतलब ये होता है कि हम डिसीजन ले पा रहे हों उसमें आप इंटरफेयर कर दो, ये इंटरफेरेंस का है. दिस इज वॉट दे आर डूइंग ओनली. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज एसर्टेड दैट द आर्मी इज इन अ स्टेट, इज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन विच वर्क्स अंडर हिम. समझते हैं सर जी, बिल्कुल बिल्कुल. जब आपका चेला आपका बॉस बन जाए तो ऐसा ही होता है, खिसियानी बिंदी खंबा नोचे. चलिए राइट. एंड मिलिट्री हैज ऑल्सो डिनाइड मेडलिंग इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स. मिस्टर खान ऑल्सो डिनाइज दैट द आर्मी हेल्प्ड हिम विन द इलेक्शन. डिनाई तो करेंगे भाई, कौन बोलेगा कि हाँ हाँ अरे आर्मी से तो हुआ था सब कुछ. नेक्स्ट इज यूएस अप्रूव्स मॉडर्ना एज अ सेकेंड वैक्सीन. पहली वैक्सीन किसकी थी? फर्स्ट तो फाइजर की थी. फाइजर की. तो कंट्री इज ग्रेपलिंग विद अ ब्रूटल विंटर सर्ज इन कोविड-19 इन्फेक्शन एंड डेथ्स. सो यूएस ने ऑथराइज किया है मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज. एंड वहाँ तो यार 2,500 रुपये, 500 लोग पर डे मर रहे हैं अभी भी यार. दैट्स वेरी वेरी स्कैरी, बहुत स्कैरी है, वेरी स्कैरी. जो बाइडन हु डिफीटेड डोनाल्ड ट्रंप हेल्ड द न्यूज एज अनदर माइलस्टोन इन द फाइट ऑफ द फाइट अगेंस्ट द वायरस. तो अच्छी बात है, आपका एक और यू नो वन मोर सच. हाँ ये वही है, थानोस वाली चीज़ हो रही है, विच इज़ वेरी सैड, नॉट अ गुड थिंग. यूएस प्लानिंग टू क्लोज इट्स लास्ट टू कॉन्सुलेट्स इन रशिया. इट विल इंश्योर सेफ सिक्योर ऑपरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन. तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहती है कि भाई जो दो कॉन्सुलेट्स बचे हैं रशिया में यूएस के, वो ही बंद कर दिए जाए. ठीक है. सो यूएस विल क्लोज इट्स कॉन्सुलेट इन द फार ईस्ट सिटी ऑफ व्लादिवोस्तोक. व्लादिवोस्तोक न्यूज में क्यों था? Why was Vladivostok in news? हाँ बिकॉज इंडिया इज इंडिया गए थे, मोदी जी गए थे वहाँ पे, मोदी जी गए थे और वहाँ पे इंडिया ने, मोदी जी ने बोला था मित्रों हमारे पुतिन साहब जो हैं उनके लिए हम $1 बिलियन देंगे, $1 बिलियन. ठीक है. सो इंडिया रशिया की मीट हुई थी. इनफैक्ट इट वॉज द ईस्ट यूरेशियन समिट, इफ यू रिमेंबर राइट. ईस्ट यूरेशियन समिट है एंड व्लादिवोस्तोक एंड एक दूसरी जगह है भाई, क्या नाम है इसका, कौन सा बर्ग, ये कटर, ये कटर इन बर्ग, ये कटर इन बर्ग, ये कटर इन बर्ग जो जगह है और ये व्लादिवोस्तोक जगह जो है वहाँ पे कॉन्सुलेट्स एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे हटा रहे हैं, दे आर रिमूविंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सुलेट. अगला है यूएस ब्लैकलिस्ट डजन्स ऑफ चाइनीज कंपनीज. चाइना यूजिंग सिविलियन टेक इन डिफेंस. सो यूएस एडेड डजन्स ऑफ चाइनीज फर्म्स इंक्लूडिंग बहुत सारे चिप मेकर्स वगैरह हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इन द लिस्ट ऑफ द फर्म्स विच हैव बीन ब्लैकलिस्टेड. ठीक है. ब्लैकलिस्टेड होंगे तो दे कांट वर्क इन द यूएस सॉइल, सिंपल सी बात है. ठीक है ना. ओके. सो क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये सिविलियन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं फॉर मिलिट्री पर्पस एंड दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस. डज दैट मेक सेंस? इज दैट क्लियर ऑफ यू? है ना. अब आया अरे कुछ कुछ अच्छी, ये साइंस वाले में आ गए थे हम लोग. नाउ साइंस एंड एफएक्यूज के आर्टिकल्स हैं. कैंगरू टॉक. इंटरेस्टिंग ये है, द कैंगरूज कैन लर्न टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन जस्ट लाइक हाउ डॉग्स डू, एक नए स्टडी ने बताया है.
इंटरेस्टिंग यार, जस्ट ये इंटरेस्टिंग से लगा था मेरे को। कैंगरूज कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर कैंगरीज एंडेमिक टू, एंडेमिक स्पीशीज हैं, एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये एंडेमिक है। ये देख लो भाई, इतना गंदा सा दिख रहा है। इसका नाम है गैस्ट्रोडिया एग्नेसिलस। इट इज द अगलियस्ट ऑर्चिड ऑर्किड इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो ये मेडागास्कर में पाया गया है। इट फीड्स ऑन फंगाई एंड हैज नो लीव्स। सो इट इज अ थ्रेटन स्पीशीज, बट यू नो इसको प्रोटेक्शन मिलता है इनसाइड द प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क इन द मेडागास्कर। सो ये नाम याद रख लीजिए, दिस कुड बी टेस्टेड इन द एग्जाम। ठीक है ना, गैस्ट्रोडिया एग्नेसिलस। ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग है ना। द स्टडी जो ये द स्टडीज एट द रिसर्चर्स एंड लुक्ड एट देम एंड द कंटेनर व्हेन दे वर अनेबल टू ओपन अ बॉक्स विद फूड। अरे भाई खोल दे भाई, खोल दे प्लीज प्लीज ओपन, भूख लग गई मेरे को। दिस इज अबाउट द कैंगरूज वर डूइंग। नेक्स्ट इज सुपर हाईवे। सो रिसर्चर्स ने एक सुपर हाईवे नेटवर्क ढूंढा है दैट कैन हेल्प ट्रैवल थ्रू द सोलर सिस्टम एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड। द पेपर पब्लिश्ड इन दिस एडवांस साइंस नोट्स दैट सच अ रूट कैन हेल्प कॉमेट्स एंड ऑस्ट्रॉइड टू ट्रैवल फ्रॉम जुपिटर टू नेपच्यून डिस्टेंस इन अंडर अ डेकेड। सो कुछ इंटरेस्टिंग सा ये सुपर हाईवे नेटवर्क मिला है। अब देखो टेस्ट कैसे आ सकता है। इन द रिसेंट टाइम द सुपर हाईवे नेटवर्क वॉज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, राइट, जुपिटर टू नेपच्यून डिस्टेंस, ये बस याद रखना है। ठीक है, जुपिटर से नेपच्यून जाने के लिए जो डिस्टेंस है उसमें कुछ इन्होंने एक आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ऐसा इन्फ्लक्स होगा जिसके वजह से दी फास्ट स्पीड कैन बी अटेंड। नेक्स्ट इज बायोप्लास्टिक बैक्टीरिया। अब ये आ गया एक और नाम, अगेन दिस कैन बी टेस्टेड, जोलबेला डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, बैक्टीरियम कॉल्ड जोबेला डी नाइट्रिफिकेंस हैज नाउ बीन रिपोर्टेड टू एड द प्रोडक्शन ऑफ बायोप्लास्टिक। व्हाट इज बायोप्लास्टिक? बताइए क्या होता है बायोप्लास्टिक गाइस? दीज आर प्लास्टिक मटीरियल फॉर्म योर रिन्यूएबल। ठीक है ना, अच्छा ये है जो बेलेला है, ओके जो बेल एल्ला। सो ये वो है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, एला एला ए ए अंडर माय अम्ब्रेला एला, वैसे ही हो गया जो बरेला एला एला ए ए ए ए, वो गाना याद, बस ये गाना है। अब देखो अब याद रहेगा आपको, ये जो बेलेला था ना वही वही है बेसिकली, दैट इज द बायोप्लास्टिक बैक्टीरिया जो आपका, इट फीड्स ऑन द स्लज वाटर वेस्ट एंड प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटराइल एंड इट कैन बेसिकली हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में ये एक्ट करेगा, इट विल ईट अवे द वेस्ट वाटर स्लज वगैरह, इट एंड बायोप्लास्टिक को प्रोड्यूस करेगा विच इज बेटर देन द नॉर्म द आर्टिफिशियल प्लास्टिक। अब आते हैं हम लोग, हाँ अरे दो तीन इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स थे, ये देखते हैं पहले, लेट्स लुक दो तीन ये आर्टिकल्स हैं, इनको खत्म करते हैं। कहाँ गया? ठीक है, लेट्स सी दिस। व्हाई एलिफेंट्स एंड टाइगर्स डिड नॉट को एक्सटेंट इन इंडिया, दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट? सो डू यू नो वॉट इज को एवोल्यूशन? यू नो वॉट इज को एवोल्यूशन? ये टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग था। वॉट इज को एवोल्यूशन पता है आपको? वॉट इज को एवोल्यूशन? यस, वेन टू टाइप ऑफ स्पीशीज इवॉल्व ओवर द ईयर्स इन 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 अ क्लोज विसिनिटी, स्टार्ट में साथ में इवॉल्व होना, दैट इज को इवोल्यूशन। ठीक है ना, सो को इवोल्यूशन ऑफ द फैक्ट दैट नेटिव एनिमल लर्न टू अडेप्ट टू न्यू प्रेडिटर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल
in this particular fact that elephants and tigers did not go extinct in India. Let's understand ये थोड़ा इसको समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. Over the last 1 lakh years, several land-dwelling mammals, including big carnivores, have gone extinct across the globe. बहुत आपके ग्लोब में जा चुके हैं. जैसे आप देख सकते हो, सेबर टूथ कैट खत्म हो चुका है, नॉर्थ अमेरिकन लायन जा चुका है, योस जो भी हैं ये सब बहुत सारे खत्म हो चुके हैं. प्यूमा उमा आपके, ओनली बिग कैट्स लेफ्ट आर प्यूमा एंड द जैगुआर. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट एलिफेंट्स, टाइगर एंड डायनासोरस, राइट, दे हैव स्टिल सस्टेन्ड इन योर साउथ साउथ एशिया एंड अफ्रीकन रीजन. ओके, एंड इन्वेस्टिगेशन से पता चल पा रहा है कि वाई द एलिफेंट्स एंड टाइगर टाइगर डिड नॉट गो एक्सटेंड. लेट्स अंडरस्टैंड. सो द फैक्ट दैट नेटिव एनिमल्स लर्न टू अडेप्ट टू न्यू प्रेडेटर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. इफ ह्यूमंस वर हंटिंग दीज एनिमल्स इवॉल्व टेक्निक्स टू अवॉइड पीपल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हंट ऑन द प्लेन्स, मे बी दीज एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. इट्स बेसिकली एन इवोल्यूशनरी रैट रेस वेयर वन स्पीशी हैज टू कीप अप विद द अदर टू सर्वाइव. गॉट द लॉजिक? ठीक है ना. बेसिक द फंडा इज दैट दीज एनिमल्स वर एबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग कंडीशंस एंड दे वर एबल टू अवॉइड द प्रेडिटर्स. इज दैट क्लियर? एक सेकेंड, सॉरी. ठीक ना. एंड इन्वायरमेंट, हाँ, नाउ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. लेट्स अंडरस्टैंड कि दो मैसिव एलिफेंट के रिलेटिव्स हैं, और हिप्पो का भी एक स्पीशीज थी और हॉर्स का भी एक रिलेटिव है, देवर हैव ऑल्सो डिसअपियर. तो ये क्यों खत्म हो गए? मतलब वाई वाई वॉट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज वाई सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, सम वेरियंट ऑफ अ पर्टिकुलर यू नो स्पीशी इज लॉस्ट वाइल अदर्स आर नॉट. सो द थिंग इज दैट ऑल द एक्सटिंक्ट स्पीशीज वर लार्ज स्लो रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड दे गो एक्सटिंक्ट व्हेन द क्लाइमेट इज फ्लक्चुएटिंग. आर गेटिंग द लॉजिक? राइट. सो जैसे एलिफेंट्स हैव 2 ईयर प्रेगनेंसी एंड इट टेक्स अबाउट 6 ईयर्स बिटवीन योर काविंग इवेंट्स. हिप्पोज व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड आउट डोंट ब्रीड वेल. देयरफॉर दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑल्सो द स्लो रिप्रोडक्टिंग स्पीशीज, जो ज्यादा स्लो होगी वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे. ठीक है ना. गॉट द लॉजिक? ठीक है ना. सो द आइडिया इज दैट यस एग्जैक्टली, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द आइडिया. सो ये है कि इन बहुत से जो एनिमल्स खत्म हुए हैं, पीपल्स प्रेजेंस प्रोवाइडेड अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इन देयर एनवायरमेंट विच क्रिएटेड देम नॉट टू रिप्रोड्यूस क्विकर एंड एंड टू स्ट्रेस आउट. सो यही बात है कि अगर ह्यूमंस नहीं आते तो दे वुड दीज स्पीशीज वुड हैव बीन फाइन. ठीक है ना. अब देखो, ऑस्ट्रेलिया वॉज ऑल्सो होम टू ऑस्ट्रिचेस. ये तो यार सोचो, आप इमेजिन करो. इट्स नोटेड दैट ह्यूमंस मे हैव बीन रीजन फॉर दी लोकल एक्सटिंक्शन. मतलब ऑस्ट्रिचेस थे यहाँ पे यार, इमेजिन. अच्छा, विच पर्टिकुलर स्पीशीज इंडिकेट दैट यस इट कुड हैव हैड बीन द केस दैट आपके ऑस्ट्रिचेस इंडिया में हो. कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसको देख करके आपको लग सकता है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसका एक्सटेंशन इटसेल्फ इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमंस. ठीक है ना. सो ह्यूमंस ही तो उनका एक्सटेंशन भी किया, तो इट इट कुड वेल बी पॉसिबल दैट उसी टाइप की बड़ी स्पीशी, ऑस्ट्रिच टाइप की स्पीशी वॉज देयर इन इंडिया. जैसे आप ये देखो, वी हैव ऑस्ट्रिचेज इन केव आर्ट एंड वी हैव लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ पीपल यूजिंग ऑस्ट्रिच एक्सेल फॉर ऑर्नामेंटेशन इन मेकिंग बीट इन बीट्स. कैन यू इमेजिन? ह्यूमन पॉसिबली यूज एग फॉर फूड ऑल्सो. दिस इज द आइडिया. सो पॉसिबली इनको खा गए थे ह्यूमन्स एंड देयरफॉर दिस स्पीशीज डिड नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ स्प्रिंग एंड दे द पॉपुलेशन ड्विंडल्ड. दिस इज वेरी वेरी स्केरी. दैट इज वॉट ह्यूमन्स डू. खत्म कर डालते हैं यार बहुत सारे हम लोग तो एनिमल्स को. हाँ वही तो, दैट्स वेरी बैड. चलिए अब अगला करते हैं. व्हाई डू लीव्स डाई ऑफ इन ऑटम? ठीक है ना. ओके,
सो व्हाई डू लीव्स डाई ऑफ इन ऑटम, क्यों भाई आपके लीव्स डाई ऑफ करते हैं? अच्छा सना सना, इट्स नॉट बैड दैट वी मेक द एनिमल्स एक्सटिंक्ट, एक्सटेंशन होना क्यों क्यों क्यों? अच्छा आई लाइक टू हियर दैट, व्हाई 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 व्हाई? Why Sana, why do you think so? अरे भाई आप क्या शेर शेर खाती हैं? डू ईट शेर? डू ईट एलिफेंट? तो दैट इज वॉट वी टॉकिंग अबाउट. वी नॉट सेइंग दैट आप एनिमल नहीं खा सकती है. वी आर सेइंग दैट नॉट टू द एक्सटेंट दैट यू मेक अ स्पीशीज एक्सटिंक्ट. ठीक है राइट. सो वही है कि द या सो वो है कि देखो व्हाट वी डू. देखिए अगर आप देखो द इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है ना कि आपका जो एनिमल्स होते हैं सम स्पीशीज इट इज नॉट गुड टू ईट. व्हाई डू वी से दैट इट्स नॉट गुड टू ईट यार, नहीं खाते हैं लोग? व्हाई व्हाट मेक्स अ पर्टिकुलर स्पीशी बेटर देन द अदर स्पीशी टू ईट? वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज ऑल्सो योर यू नो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज ऑल्सो द फैक्ट दैट उनकी पॉपुलेशन कम है. तो तभी तो है ना कि एंडेंजर्ड स्पीशी है भाई. अब आपके डिजीज तो अलग है, वो अलग, वो वन एस्पेक्ट इज दैट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजीजेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट सम पॉपुलेशन आर लेस इन नंबर्स राइट. सो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ एनिमल्स माइट बी अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है ना. चलिए अब आते हैं वाई डू लीव्स डाई ऑफ इन ऑटम. ऑटम में हम देखते हैं ना कि पतझड़ होता है. पतझड़ होता है क्यों है? तो इंटरेस्टिंग है. किसी को याद है बेसिक बेसिक बायोलॉजी थी, किसी को याद है व्हाट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पतझड़? हाँ एंड व्हाई डज इट हैपन? एनी आइडिया? यस. सो द आइडिया इज वेरी सिंपल. द ट्रीज हैव अ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म दैट लिमिट्स द फोटोसिंथेसिस पीरियड और द प्रोडक्टिव पीरियड. ठीक है ना. ओके सो आपका सॉरी. सो द आइडिया इज दैट आपके जो स्प्रिंग टाइम होता है, जो समर टाइम होता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस मस्त होता होता रहता है, वो मस्त होता रहता है. बट देन कम्स विंटर. सो दी प्लांट प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर दी विंटर्स. ठीक है ना. क्योंकि अगर विंटर्स में वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर लेगा, इट विल नॉट बी एबल टू कंजर्व इट्स एनर्जी. वो अपने एनर्जी एंड रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर पाएगा इफ देर आर टू मैनी लीव्स. इज दैट डजेंट मेक सेंस? ठीक है ना. ठीक है ना. सो दैट इज द आइडिया, दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द मैटर. ठीक है ना. सो यही बात है आपका, यही इसमें इतना ही था, इसमें और कुछ ज़्यादा रिलेवेंट नहीं था. अगला आर्टिकल वाला, ये तो हम डिस्कस कर रहे थे. दिस आई थिंक वी हैव हैड टॉक्ड अबाउट ऑल्सो. आर एनआरआई इज लाइकली टू गेट पोस्टल वोटिंग राइट सून. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल अच्छे से. ठीक है ना. सो व्हाट इज दिस प्रपोजल ऑफ द इलेक्शन कमीशन? सो इलेक्शन कमीशन रो टू द लॉ मिनिस्ट्री एंड इट प्रपोज टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट टू द ओवरसीज नॉन रेजिडेंट इंडियंस. इन द पोस्टल बैलेट वॉट इज डन इज दैट आपके यू नो यू विल गेट एन इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पोस्टल बैलेट. आप उसको प्रिंट आउट निकालो, आप उस पर अपना वोट डालिए एंड देन यू कैन पोस्ट इट टू द इलेक्शन कमीशन. दैट इज द आइडिया. दिस पार्शियल और एंड अच्छा नाउ द क्वेश्चन इज दैट पूरा पूरा जो आपका ये होता है सिस्टम, इज इट एन कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम और इज इट अ पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम? पार्शियल बिकॉज दी बैलेट इज सेंट टू द पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली बट उनको फिजिकली पोस्ट से भेजना पड़ेगा वापस. वाई आर यू नॉट गोइंग टू अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी में फिर वोट कोई कुछ गलत ना कर दे, फोटोशॉप करके ना कुछ बीच में ना भेज दें, समझ रहे हो? दोज प्रॉब्लम्स कैन एग्जिस्ट. देयरफॉर द पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी इज अवेलेबल नाउ फॉर सर्विस वोटर्स, जिनको कहते हैं जो आर्म फोर्सेज में है राइट.
या आपके हाँ मेंबर्स ऑफ फोर्सेस आर्मी एक्ट के अंदर जो आते हैं वगैरह, ठीक है ना, मेंबर्स ऑफ आर्म पुलिस फोर्सेस ऑफ द स्टेट, दिस सिविल सर्वेंट सर्विंग आउटसाइड द स्टेट, या कोई ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम किया है पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, दीज आर द पीपल हु आर गेटिंग द पोस्टल बैलेट सिस्टम ऑलरेडी, ठीक है। रोहित यार आप प्लीज ऐसे अगर करोगे हम आपको बैन कर देंगे, इफ यू डू नॉट मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर पीपल, ठीक है। सो दी एनआरआई वोटर्स जो है उनको भी अब ये एक्सटेंड करने की प्रपोजल आ रहा है। सो लॉ मिनिस्ट्री जो है दैट इज येट टू रिस्पॉन्ड टू द प्रपोजल, लेट्स सी हाउ डू दे रिस्पॉन्ड। बट अभी कैसे वोट करते हैं, हाउ डज द पीपल लिविंग आउटसाइड इंडिया एंड हु आर इंडियन सिटीजन वोट? सो द आइडिया इज दैट 2010 से पहले एनआरआईज वोट नहीं कर सकते थे। डिड यू गाइस नो दैट बिफोर द ईयर 2010 एनआरआईज कुड नॉट वोट, ठीक है, बिकॉज एनआरआईज नेम वॉज डिलीटेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल इफ ही और शी स्टेड मोर देन 6 months आउटसाइड इंडिया। सो आफ्टर द पासिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2010, एलिजिबल एनआरआईज जो 6 महीने से ज्यादा बाहर रह चुके हैं इंडिया से, दे आर इनेबल टू वोट, बट दे हैव टू कम बैक टू इंडिया एंड वोट। इज दैट, डज दैट मेक सेंस? इज दैट क्लियर? ठीक है ना, राइट। सो उनके पासपोर्ट में जिस जो एड्रेस दिया होगा वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो आकर वोट दे सकते हैं। अभी देखो 11,000 ओवरसीज वोटर्स थे 2014 में, एंड 2019 में, राइट, 2019 में दिस वेंट टू नियरली 1 लाख। डिड यू गाइस, कैन यू इमेजिन, 1 लाख लोगों ने वोट दिया 2019 के इलेक्शंस में फ्रॉम आउटसाइड। रोहित राज, आपके एनआरआईज को इसलिए वोट करने को नहीं दिया जाता था पहले बिकॉज इट वॉज फेल्ट दैट वो बाहर जा चुके हैं, दे लिविंग आउटसाइड, राइट। सो आपके इसलिए उनको समवन लिविंग आउटसाइड इट वॉज स्ट्रक आउट, लाइक द आइडिया वॉज दैट दे शुड नॉट बी एलिजिबल टू वोट बिकॉज दे आर लिविंग आउटसाइड, बट देन इट वॉज लेटर रियलाइज दैट नहीं, दे आर इंडियन सिटीजन्स, दे शुड गेट द राइट टू वोट, ठीक है ना। हाँ मतलब सोचिए 1 लाख लोगों ने वापस आकर के वोट दिया, दैट इज ह्यूज, एंड 90% ऑफ दीज वोटर्स वर फ्रॉम केरला ओनली, ठीक है। केरला से काफी लोग होते हैं, ठीक है ना। बट येट द प्रोविजन ऑफ हैविंग टू विजिट द पोलिंग बूथ फिजिकली हैज डिस्करेज मेनी ऑफ दीज वोटर्स फ्रॉम वोटिंग, पता ही हमको, राइट। वैसे मैं तो एक चीज कहूंगा कि भाई 1 लाख लोग एनआरआई जो है वो वोट करने वापस आए, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग। व्हाई डू आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग? भाई बहुत सारे तो हमारे लोग हैं यहाँ पे जो क्योंकि सो के उठ नहीं पाए इसलिए वोट नहीं करने गए। मेरे दोस्त है भाई, आई हैव अ ग्रुप ऑफ 16 पीपल, आई वॉज द ओनली वन हु वोटेड इन 2019 इलेक्शन, नो वन एल्स वोटेड, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट, कि भाई आपके यूथ है जो वोट ही नहीं करना चाहता है। हाँ घर के पास हो गए रहते, ये लोग दूर दूर से आए, सोचिए, तो दैट्स अ यूज थिंग। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2017 गवर्नमेंट एक प्रपोजल लाया था टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट विच रिक्वायर्ड देम टू फिजिकली प्रेजेंट इन द वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी। द बिल ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एन प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम, ठीक है, बट क्या ये पास हो पाया था? डिड दिस बिल पास कंप्लीटली? द आंसर इज नो। सो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, प्रॉक्सी वोटिंग इज नॉट देयर स्टिल, ठीक है ना। नाउ द आइडिया इज इलेक्शन कमीशन हैज अप्रोच द गवर्नमेंट टू परमिट एनआरआई टू वोट बाय पोस्टल बैलेट सिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फॉर द सर्विस वोटर्स। द सिस्टम विच ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द सर्विस वोटर्स, द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETBPPS, दे वॉन्ट दैट एनआरआईज भी इसको एलिजिबल हो सके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज दिस ETPBS, होता क्या है। सो एज ऑफ नाउ द सर्विस वोटर्स यूज द ETPBS इन द सिस्टम, जैसे आपको बता चुका हूँ। नेहा, अरे आप मिस कर गए क्या, मैं पूरा एक्सप्लेन तो किया था। सर्विस वोटर्स आर दीज पीपल, देख लीजिए,
people who are part of the armed forces of the union, member or a force of which army act के अंदर establish किया गया है, या armed police forces, या फिर your state के बाहर काम करने वाले आपके you know officers as well as government of India employees who are working outside India. Is that clear, Neha? Service orders ये सब होते हैं, civil servants working outside India, armed forces people working in the border areas. So क्योंकि वो वापस जा नहीं सकते तुरंत वोट देने के लिए, तो therefore उनको ये सिस्टम अलाउड होता है कि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यूज कर सकते हैं. अंडर दिस सिस्टम पोस्टल बैलेट्स आर सेंट इलेक्ट्रॉनिकली टू द रजिस्टर्ड वोटर्स. दे कैन डाउनलोड दिस एंड दे कैन सेंड टू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी वाया ऑर्डनरी मेल. बात समझ में आ गई? अब पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट में इंक्लूडेड अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है ना. ओके, आफ्टर बींग साइंड बाय अ वोटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन अपॉइंटेड सीनियर ऑफिसर हु विल अटेस्ट इट. सो एक अटेस्टेड इसके अंदर होता है, सो दैट इट्स नोन दैट यू नो पोस्टल बैलेट जो है वो आपका कुछ गड़बड़ ढंग से नहीं आया हुआ है, कुछ फर्जी पोस्टल बैलेट्स ना आ जाए. एंड पोस्टल बैलेट मस्ट रीच द रिटर्निंग ऑफिसर बाय 8 AM ऑफ द डे ऑफ द काउंटिंग ऑफ द रिजल्ट्स. अनलाइक US जहाँ पे भेजता रहो पोस्टल बैलेट हो, उनके तो पता नहीं महीनों महीनों पोस्टल बैलेट आते रहे. इन्हें बोला भाई इलेक्शन होने से पहले आप हमको भेज दो, 8 बजे सुबह से पहले आ जाना चाहिए, नहीं तो हम काउंट नहीं करेंगे उसको. द प्रपोजल नाउ इज टू अमेंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स एंड एक्सटेंड इट टू NRI वोटर्स. ठीक है ना, क्लियर होगी बात. अब सवाल यहां पर क्या आएगा, सवाल ये आएगा कि द रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको पोस्टल बैलेट मिलना है, बट इट हैज टू बी अटेस्टेड बाय अ डिप्लोमैट या अ पर्टिकुलर यू नो आपके एक कोई ऑफिसर से. इंडिया में तो हो जाता है, समझ रहे हो, सर्विस वोटर्स तो करा सकते हैं एक यू नो दे हैव एक्सेस. हाउ विल दी NRIs डू इट? सो द प्रपोजल हियर इज कौंसुलर रिप्रेजेंटेटिव या इंडियन डिप्लोमैट इन देयर वहाँ उनके एम्बेसी में, समझ रहे हो ना. सो देयर एम्बेसी, तो एम्बेसी के थ्रू फिर ये हो पाएगा कि वहाँ पे जो फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर होंगे दे विल अटेस्ट इट. ठीक है ना, सो ये सिस्टम है. अब अभी ये इलेक्शन कमीशन इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर वोटर शुड सेंड द बैलेट थ्रू ऑर्डनरी पोस्ट और ड्रॉप इट ऑफ एट द कॉन्सुलर सर्विस जहाँ से वो अपने आप ही भेज देंगे. सो अभी लेट्स सी, अभी तो सब मोडलिटी, अभी तो यार प्रपोजल स्टेज पर है, विल गेट टू नो. अगर इसको आगे बढ़ता है तो विल गेट टू नो. इससे ना वोट्स बहुत बढ़ जाएंगे, 1 लाख लोग तो वापस आ पाए. सोचिए कितने कितने लोग हैं जो दे सकते हैं वोट्स. आई थिंक देर आर मोर देन 10 मिलियन पीपल हु कैन वोट. 10 मिलियन से ऊपर लोग हैं आपके हु कैन वोट, 10 मिलियन अबव पीपल. इमेजिन इतने वोट्स होंगे तो इलेक्शंस में काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है उनका. अभी बात यह है कि इसको हो सकता है जो पोस्टल वोटिंग सिस्टम है. अच्छा ये बताइए, वेन एवर यू स्टार्ट अ न्यू थिंग डू यू स्टार्ट इट इमीडिएटली पूरे दुनिया भर में? आंसर इज नो. सो इट विल बी स्टार्टेड ऑन और इंट्रोड्यूस ऑन अ पायलट बेस इन द नॉन गल्फ कंट्रीज. ठीक ना, तो नॉन गल्फ कंट्रीज में अभी एक कोशिश कर रहे हैं, बट दे वुड देन सी द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग टू यू नो ओवरसीज इलेक्टर एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट टू एनी पर्टिकुलर कंट्री. सो लेट सी, पायलट पे करते हैं कि पूरा ही करते हैं, विल गेट टू नो. ठीक है ना, सो ये है. यस, सो नाउ योर डायस्पोरा डिप्लोमेसी विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंटरनल पॉलिटिक्स नाउ. ठीक है ना, ठीक है ना. सो ये है आपका, और इसमें और तो कुछ वाई पायलट प्रोग्राम नहीं, पायलट प्रोग्राम इसलिए किया जाता है सो दैट पहले आप स्मॉल स्केल पे देखो कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं. ठीक है ना, एंड देन इफ देर आर नो प्रॉब्लम्स, एफिशिएंटली हो पाया, कुछ रिगिंग विगिंग नहीं हुई. क्योंकि यार आप सोच रहे हो अगर आप एक साथ दे दोगे 10 लाख 10 मिलियन लोगों को कि आप आ करके वोट दे दो, कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर द होल प्रोसेस विल गेट प्रॉब्लमेटिक, राइट. सो इसलिए होता है कि छोटे लेवल पे आप पहले उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो. पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है एक्सपेरिमेंट एट अ स्मॉल स्केल, इफ इट वर्क देन एक्सपैंड इट. सो दैट ऐसा ना हो कि भाई कि इलेक्शन इलेक्शन के रिजल्ट एकदम रिग हो गए लोग, नहीं तो फिर इलेक्शन प्रोसेस पूरा कराना पड़ेगा वो फिर से. इफ पीपल स्टार्ट टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द वोट्स. ठीक है ना, किस में आयुषी
किस में इकोनॉमिकली आ गया, कहाँ किस चीज़ में इकोनॉमिकली बेनिफिट होना चाहिए। समझा नहीं आयुषा को क्वेश्चन, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। हाँ डायस्पोरा इलेक्शन में हाउ इंडिया गेट्स बेनिफिट इकोनॉमिकली, या मतलब इट्स इट्स नॉट हर चीज़ क्या इकोनॉमिकली बेनिफिट होना चाहिए क्या, वैसे हो वैसे बताऊंगा कैसे हो सकता है, बट देर इज नो रीज़। क्या इलेक्शन से आपको कुछ इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है? इलेक्शन तो यार इट्स अ कोर प्रिंसिपल ऑफ, इट्स अ कोर प्रिंसिपल ऑफ अ पर्सन एग्जिस्टेंस एज एन इंडियन टू वोट, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, और कुछ नहीं है। कोई इसमें इंडिया को फायदा हो जाएगा इसका, कोई फायदा उसका कुछ वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। इनफैक्ट खर्चा ही होगा आपको, इतना सब करवाना पड़ेगा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आप इलेक्शन कराते हो तो उसे कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी ना देखते हो आप, लुक एट द फैक्ट दैट यू वॉन्ट टू मेक पीपल वोट, ठीक है ना, ये है। हाँ वो अलग बात है, राइट। अब इनफैक्ट उसमें तो दूसरी चीज़ है, अभी तक पीपल इंडिया आते थे तो दे यूज़ टू यू नो बाय टिकट्स वगैरह, अब वो उनको टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा, वो सब चीज़ें हैं, तो एक एज अ पर्सन तो उसको 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 इकोनॉमिक बेनिफिट होगा एज एन इंडिविजुअल। इंडिया को एज अ होल कुछ बेनिफिट उस सब चीज़ तो सेकेंडरी हो जाता है। अच्छा व्हाट आर द डीमेरिट्स आयुषी, व्हाट आर डीमेरिट्स टेल मी, क्या है डीमेरिट्स बताइए बताइए। बताइए क्या है डीमेरिट्स ऑफ पोस्टल बैलेट इलेक्शंस। फर्जी वाले इलेक्शंस, ओके व्हाट एल्स। सो आप तब तक लिखिए, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, अच्छा ओके कैसे, मतलब कैन यू सब्सटैंशिएट अपॉन दैट। अच्छा सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट अ पर्सन हु हैज गॉन अवे फ्रॉम इंडिया फॉर 7 मंथ्स डज नॉट हैव अ राइट टू वोट इन इलेक्शंस बिकॉज उनको इंडिया का कुछ पता पता नहीं है। दैट इज इट डू थिंक, डोंट यू थिंक इट दैट्स अ टू हार्श टू से दैट कोई इंसान इंडिया से बाहर जा करके 6 7 महीने रहा है तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा इंडिया के बारे में, ही शुड नॉट बी एलिजिबल टू वोट वगैरह। दैट सीम्स टू बी अ लिटिल राइट, आपका यू नो आई थिंक दैट्स दैट्स अ लिटिल हार्श हार्श ऑन योर पार्ट टू से दैट, बट नन द लेस या वॉट वॉट द प्रॉब्लम विच माइट अकर इज दैट अगर द सिस्टम इज नॉट फूल प्रूफ देन इफ देर आर वेज टू रिग द इलेक्शन देन दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है ना, ओके आपके आपका यू नो द वे टू यू नो आपके दे फोर द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू इंश्योर दैट जो प्रोसेस है दैट इज़ फुल प्रूफ, जस्ट लाइक सर्विस वोटर्स ऑलरेडी करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दिस सिस्टम इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, द सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट, जस्ट वी नीड टू मेक इट फुल प्रूफ इन टर्म्स ऑफ द न्यू सेट ऑफ पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया। सो उसका पूरा प्रोसेस हमको ऐसा रखना पड़ेगा सो दैट वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो, बट द पीपल हु लिविंग आउटसाइड इंडिया राइट आर ऑल्सो इंडियन सिटीजन्स। इनफैक्ट आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस और नॉट दैट दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज इन टू इंडिया। केरला की आधी इकॉनमी, आधी तो नहीं टू अ लार्ज इकॉनमी ऑफ केरला डिपेंड्स अपॉन द रेमिटेंसेज विच आर कमिंग बैक फ्रॉम द गल्फ एरिया एंड अ लॉट ऑफ मनी अ लॉट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इज देयर। इन एडिशन टू दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट द डायस्पोरा डिप्लोमेसी, ठीक है ना, ओके देयर इज अ डायस्पोरा डिप्लोमेसी इन द सेंस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया हेल्प्स इंडिया इन इन क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ यू नो प्रेशर ग्रुप इन द अदर कंट्री सो दैट इंडिया गेट्स बेटर ट्रेड डील्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो वेन वी यू नो यूटिलाइज दोज एग्जिस्टेंस आउटसाइड इंडिया यू नो आई थिंक इट्स द लीस्ट दैट वी कैन डू इज प्रोवाइड देम एन ईजी वे ऑफ वोटिंग इन इंडिया राइट। बट यस
सी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, या वो सब तो ऐसे हवा में बोलने की बात हो जाती है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सब ऐसे हवा में बोलने की बात हो जाती है कि व्हेन द सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से दैट भाई जो सर्विस वोटर्स है वो भी फर्जी वोट दे रहे हैं, राइट, ऐसा मतलब राइट, दैट सीम्स टू बी अ लिटिल टू टू यू नो टू हार्श टू से दैट जो सर्विस वोटर्स है वो फर्जी वोट दे रहे हैं, उनके सारे वोट बीजेपी अपने 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 मोहर लगा के दे रही है। अब ऐसा अगर होने लग जाए तो फिर तो आप वोट ही मत दो, तभी वोट नहीं देते आधे आधे लोग, बिकॉज दे स्टार्ट टू फील दैट वोट सबके रिग्ड है, हम जाते हैं बटन किसी का दबाते हैं कोई किसी का वोट लग जाता है। अब ऐसी चीज़ अगर आप सोचने लग जाओ तो फिर तो एनीथिंग कैन हैपन, फिर तो वी आर लिविंग इन अ पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। चलिए ऑलराइट, हाँ कौशिक बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है, ऑलराइट बिल्कुल समझ गए हम, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। आप दीज डिबेट्स आर एंडलेस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन लॉन्ग लाइफ साइकिल हैव एंडेंजर्ड द कॉमन हिमालयन हब, राइट, सो द पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑफ एटलीस्ट 50% आर एक्सपेक्टेड टू अकर बिटवीन 2010 एंड 2079, ठीक है। सो नाम देख लीजिए, एक कॉमन हर्ब का नाम है हिमालयन ट्रिलियम, ठीक है, द हिमालयन ट्रिलियम, राइट, सो हिमालयन ट्रिलियम इज अ कॉमन हर्ब ऑफ द हिमालयस एंड वॉज डिक्लेयर एंडेंजर्ड बाय द IUCN। वॉट इज IUCN? ये IUCN क्या है? What is IUCN? IUCN एक रेड डेट, एक रेड लिस्ट रखता है, इट कीप्स अ रेड लिस्ट बुक। व्हाट इज दिस? व्हाट इज रेड लिस्ट बुक ऑफ IUCN? रेड लिस्ट बुक ऑफ IUCN इज अ लिस्ट ऑफ ऑल दी स्पीशीज, राइट, जो आपके एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्टेटस, कि भाई वो वल्नरेबल हैं, कि वो एंडेंजर्ड हैं, कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, कि वो लीस्ट कंसर्न हैं, इसको वो देखते हैं। तो इन दैट हिमालयन ट्रिलियम, राइट, इट्स अ नेम ऑफ द स्पीशी ऑफ इन द हिमालयाज हैज बीन डिक्लेयर एंडेंजर्ड, ठीक है। सो दिस हिमालयन ट्रिलियम सीम्स टू हैव अ यू नो मेडिसिनल क्वालिटी, ओके। प्रिंस वी आर हैविंग दीज क्लासेस एवरी डे एट 11, रोज 11 बजे, ठीक है ना। एंड इट हैज़ बीन यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन टू क्योर डिजीजेज सच एज योर डाइसेंट्री, वूंड्स, स्किन बॉयल्स, मतलब फोड़े फुंसी, इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। सो दीज थिंग्स आर देयर जिनको जिनसे हमको बचाने के लिए दिस हिमालयन ट्रिलियम इज यूटिलाइज्ड, ओके। स्केल तो देखिए कुछ नहीं, ऐसा स्केल का कुछ नहीं है, देर आर दिस अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट स्टेटसेस दैट अ पर्टिकुलर स्पीशी कैन बी गिवन, सो वी हैव यू नो नो डेटा कि डेटा नॉट अवेलेबल टू लीस्ट कंसर्न, टू नियरली थ्रेटेंड, टू वल्नरेबल, टू एंडेंजर्ड, टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड, टू एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट, इस टाइप से आपके लीस्ट कंसर्न, नॉट नियरली थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट, इस टाइप के पूरा स्पेक्ट्रम रहता है, राइट। सो दीज आर द वेरियस स्टेटसेस दैट कैन बी गिवन टू वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। सो दिस स्पीशी ऑफ ट्रिलियम गोवनियनम, दोनों नाम में देख लो, हिमालयन ट्रिलियम या ट्रिलियम गोवनियनम, ये इनको इंडेंजर स्पीशी की तरह से नाप दिया हुआ है, ठीक है ना। सो दैट इज इट गाइज, दिस इज इट, आज के सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन एंड सी यू गाइज टुमारो देन। श्योर स्पर्श, आपका क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूंगा डेफिनेटली। हैव अ नाइस डे एवरीवन, नहीं कोई सॉरी की बात थोड़ी ना है आयुषी। चलिए ऑलराइट, बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।